हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। सो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। ओके, जब आप हॉस्पिटल जाते हो, आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे एडमिट है, तो आप देखते होंगे उसके हाथ को साइड रेल से बांध के रखा है। तो बेसिकली क्यों बांध के रखते हैं? आप एकदम से शॉक्ड हो जाते होंगे कि हमारे रिलेटिव्स को, आपका भाई या कोई बहन अगर एडमिट है तो उसको क्यों बांध के रखा है। तो बेसिकली ये कोई पेशेंट को ऊपर जुर्म नहीं किया जा रहा, पेशेंट के ट्रीटमेंट के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। सो आगे हम आज ये इस वीडियो के द्वारा यही जानेंगे कि रेस्टेंट्स क्या होते हैं, रेस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे रेस्टेंट और रेस्टेंट पॉलिसी क्या है। रेस्टेंट रेस्टेंट इज एनी इनवॉलेंट्री मेथड ऑफ कंट्रोलिंग आन इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फिजिकल एक्टिविटी। रेस्टेंट में क्या होता है, जो पेशेंट की इनवॉलेंट्री मूवमेंट रहती है वो कंट्रोल करके रखते हैं हम उसको, जो भी उसकी फ्रीडम है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं। देन पर्पस, फर्स्ट एड टू कीप पेशेंट फ्रॉम पुल आउट ट्यूब्स। हम पेशेंट को रेस्टेंट इसलिए करके रखते हैं, बहुत टाइम क्या होता है पेशेंट जो ट्यूब्स वगैरह रहती है, वेंटिलेटर की ट्यूब, राइल्स ट्यूब हुआ, ये पेशेंट निकाल लेता है, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, रेस्टेंट लगा के रखते हैं। टू कीप पेशेंट फ्रॉम हैविंग वेट फॉल्स, पेशेंट वेट से नहीं गिरे उसके लिए भी हम क्या करते हैं, रेस्टेंट लगा के रखते हैं। टू कीप पेशेंट फ्रॉम मूविंग आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में पेशेंट मूवमेंट्स वगैरह ना करें। टू पेशेंट शोइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, यदि कोई पेशेंट एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, हाथ पे इधर उधर कर रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, रेस्टेंट करके रखते हैं। ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, जैसे ओटी वगैरह हुआ, इंक्यूबेशन कर रहे हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेस्टेंट करके रखते हैं। देन टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स का होता है, फिजिकल रेस्टेंट एंड केमिकल रेस्टेंट्स। लेकिन एक अदर टाइप भी होता है, वह आइसोलेशन रेस्टेंट्स। फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल रेस्टेंट्स। जब भी हम किसी पेशेंट को फिजिकली बांध के रखते हैं तो वो आता है फिजिकल रेस्टेंट्स के अंदर, जैसे एल्बो रेस्टेंट्स, मम्मी रेस्टेंट्स, एब्डोमिनल रेस्टेंट्स, फिंगर रेस्टेंट्स और जैकेट रेस्टेंट्स। ये जो रेस्टेंट्स रहते हैं वो फिजिकल रेस्टेंट्स में आते हैं। देन हमारा सेकेंड है केमिकल रेस्टेंट्स। कुछ पेशेंट को हम इंजेक्शन के थ्रू सेडेट करके रखते हैं, वो आएगा केमिकल रेस्टेंट्स में, जैसे मेडाजोलम, डाइजेपाम, लोराजेपाम, सेरिनेस। इन इंजेक्शनों के द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो मूवमेंट्स वगैरह उसको कंट्रोल करके रखते हैं। देन जो हमारा लास्ट था आइसोलेशन रेस्टेंट, इसमें क्या करते हैं, आइसोलेशन इज व्हेन क्लाइंट नीड टू बी लॉक्ड इन अ सेफ्टी रूम बिकॉज क्लाइंट आर आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ पेशेंट में क्या रहता है, हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक रूम में बंद करके रखते हैं और उसको क्या करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा से ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह के जो आइसोलेशन करते हैं पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन रेस्टेंट्स। देन रेस्टेंट की एक पॉलिसी भी होती है, रेस्टेंट विल बी अप्लाइड ओनली डॉक्टर्स रिटर्न ऑर्डर। जो हम रेस्टेंट करते हैं वो क्या होता है, ओनली डॉक्टर के रिटर्न ऑर्डर पर ही वैलिड रहता है। इफ़ डॉक्टर्स नॉट अवेलेबल, रजिस्टर्ड नर्स शैल बी अप्लाई फॉर रेस्टेंट्स। यदि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे क्या है, जो रजिस्टर्ड नर्स है वो भी जो रेस्टेंट का ऑर्डर दे सकती है। बट क्या करना पड़ेगा, उससे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा डॉक्टर को फ़ोन पर, और उसको वर्बल ऑर्डर पॉलिसी लेना पड़ेगा जिसको फॉलो करना है। देन टेक कंसेंट टू द पेशेंट्स रिलेटिव्स। पेशेंट के जो रिलेटिव्स है उससे हमें कंसेंट लेना है। रेस्टेंट कंसेंट वैल्यू ओनली 24 आवर्स, आफ्टर दैट रिन्यूअल कंसेंट फॉर एवरी डे। जो कंसेंट रहता है रेस्टेंट के लिए वो 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद उसको रिन्यूअल करवाने के लिए देन अगर नेक्स्ट डे फिर हमें कंसेंट लेना पड़ता है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब